हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ 5 नए नोटिफिकेशंस। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करने वाले हैं, दोस्तों आपके एग्जाम्स के पोस्टपोन के लिए इग्नू की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट किए हैं, उनकी भी लिस्ट जारी की गई है। इसके अलावा आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करेंगे, आप सभी अपने टर्म एंड एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, इसके लिए इसी वीडियो में मैं आपको एक मूल मंत्र देने वाला हूं। सो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। दोस्तों, सबसे पहले तो इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पेज में नीचे आपको न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स के सेक्शन में एक नोटिफिकेशन दिया गया है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस। इस नोटिफिकेशन को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेटेस्ट अपडेट किया गया है, लेकिन जब आप इसे क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने ओल्ड वाला नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जिसे कि इग्नू की तरफ से 6 मई को जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि आपके एग्जाम्स जो कि 15 जून से कंडक्ट होने चाहिए, अभी उनको आगे पोस्टपोन कर दिया गया और आपके एग्जाम्स कब स्टार्ट होंगे इसके बारे में अगला कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और जब भी आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने होंगे, उससे कम से कम 21 दिन पहले इग्नू की तरफ से इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, इसमें अच्छी बात यह है कि इग्नू की तरफ से अभी तक आपके एग्जाम्स के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसका मतलब अभी भी आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने के लिए कम से कम 3 वीक का टाइम बाकी रह गया है। दोस्तों, नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर किया था, ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अगर आपके रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में थे तो आप इन्हें चेक कर लीजिए। 18 जून को एक नई अपडेट की गई है। साथ ही जिन भी स्टूडेंट्स ने रिवैल्यूएशन रिजल्ट के लिए अप्लाई किया था, आपके रिजल्ट्स भी लेटेस्ट 18 जून को अपडेट कर दिए गए। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है रघुनाथगंज रीजनल सेंटर की तरफ से। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट किए थे, आप सभी स्टूडेंट्स की एक असाइनमेंट सबमिशन की अपडेटेड लिस्ट जारी कर दी गई है। सो आपने अगर अपने असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट किए थे तो आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट को लेटेस्ट 18 जून दोपहर 3:15 बजे तक अपडेट कर दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट नोटिफिकेशन है पटना रीजनल सेंटर की तरफ से। पटना रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सेशन कंडक्ट किया जाएगा 22 जून को, ट्यूसडे को दोपहर में 4 बजे। सो आप चाहें तो इस गूगल मीट के लिंक को फॉलो करके और इसे ज्वाइन कर पाएंगे। इसके बाद में अभी बात कर लेते हैं आपके जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक मूल मंत्र मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इग्नू में क्या होता है कि जब आप एक के बाद एक अपने एग्जाम्स के लिए अपीयर करते रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो पहले एग्जाम्स कंडक्ट किए जा चुके, अगर आप उनके क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लेते हैं तो आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। कम से कम 40-60% आपको वहीं से ही रिपीटेड क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में नज़र आएंगे। दोस्तों, जो भी एग्जाम्स अभी दिसंबर 2020 के कंडक्ट किए गए थे, उनको इग्नू की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसमें दिया हुआ है दिसंबर 2020। आप इसको क्लिक करके और नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। इस पेज में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी के लिए पर्टिकुलर अलग अलग लिंक्स दिए हुए हैं। सो आप उसके सामने जो भी दिसंबर 2020 लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप अपने क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर स्टूडेंट एमकॉम वाले हैं या बीकॉम वाले, तो वो चाहे तो यहाँ से अपने क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इसी पेज में अपना सब्जेक्ट कोड सर्च करना है। सर्च करने के बाद में उसके सामने जो भी लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट पेज होगा, इसमें फिर से आप अपना सब्जेक्ट कोड सर्च कर लेंगे और सामने दिया हुआ लिंक क्लिक करके और अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फरवरी 2021, क्योंकि आपके एग्जाम्स फरवरी 2021 में कंडक्ट किए गए थे। सो आप यहां से अपने क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करके और अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स बीएजी, बीकॉमजी, बीएससीजी प्रोग्राम्स वाले हैं, जो सीबीसीएस पैटर्न वाले, आप सभी के क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट पे अपडेट
नहीं किए गए। सो आप इसके लिए कुछ दिन इंतज़ार कर लीजिए, इग्नू की तरफ से इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट आएगी जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर्स भी अपडेट कर दिए जाएंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो में ये थे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 5 नए नोटिफिकेशंस। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।